अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हकीम शाह नज़ीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के लिए मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है पिंडलियों में दर्द होना। पिंडलियों में दर्द होना, वेरिगोंस वेंस का होना, या आपको क्रैम्प पड़ते हो टांगों में, खिंचाव रहता हो, और आम जनरल वीकनेस यानी जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करती है। और इसकी क्या रीज़न्स होती हैं? इसकी रीज़न्स ये होती हैं कि जैसे पानी का कम पीना या मिनरल्स का कम इस्तेमाल होना, फ्रूट का इस्तेमाल कम होना, इसकी वजह से। और भूख यानी आप खाना पीना हर चीज़ कर रहे हो लेकिन उसकी तरतीब नहीं है, आपकी टाइमिंग जो है वो डिफरेंट्स हैं। जैसे खाना आप बेटाइम होके खाते हैं, दोपहर 12 बजे खाना होता है आप दोपहर 3-4 बजे खा रहे होते हैं, जो कि रात को 8-9 बजे खाना होता है वो रात का 12-1 बजे खा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद फौरी बेड पर चले जाते हैं, इससे भी वीकनेस होती है। तो इसलिए अपने खाने पीने की टाइम की रूटीन बनाइए आप, और उसके लिए आपको जिस तरह टांगों में क्रैम्प पड़ता हो, बड़ी चीख सी निकल जाती है ऐसे, या पाँव की पिंडलियाँ ऐसे सख्त हो जाती हैं, ये उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है। बहुत आसान है, हर अंसार स्टोर पे मिल जाती हैं ये। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ये है सतावर। सतावर ये इसका पाउडर है, सतावर का पाउडर। इसका वजन आपने लेना है 20 ग्राम। 20 ग्राम में बनती हैं 2 चम्मच, ठीक है। ये है जरावंद मुदर्रिज, ये आम जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करती हैं, और जो लोग पानी कम पीते हैं ये पानी का टेक भी पूरा करती है बॉडी में। इसका वजन आपने लेना है 20 ग्राम। ये है सुंबल बूटी, ये हजारा एप्टाबाद यहाँ पे बहुत पाई जाती है, वहाँ के लोग बहुत बेहतर तरीके से इसे जानते हैं। इसे ये जो है ये मुंह के छालों के लिए भी बेहतर है, प्लस तमाम जिस्म के दर्दों को भी ये ख़त्म करती है। इसका वजन भी आपने लेना है 20 ग्राम। इसे अच्छी तरह ऐसे मिक्स करके पाउडर बनाएं, मशीन में भी बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं। पाउडर बनाकर आधा चाय वाला चम्मच दिन में 2 मरतबा सुबह शाम पानी के साथ लें, और ये कंटिन्यू 12-15 दिन 21 दिन इस्तेमाल कर लें, फ़ायदा पहले 1-2 दिन में हो जाएगा इससे। और इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हर इंसान ले सकता है, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं होता। और ये है हमारी आज की रेमेडी, जो कि आपके पिंडलियों में, जोड़ों में, टांगों में दर्द महसूस होता है ये उसको ख़त्म करती है, और आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये रेमेडी कैसी लगी, इसका आप ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिएगा, और आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। और आपकी राय भी होनी चाहिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स रहती हैं, हम उसी की वीडियो आपको बनाकर भी दिखा दें। अल्लाह पाक औलाद-ए-गम से महफूज रखें। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।